हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं टॉपिक शॉर्टकट मेथड फॉर डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपका डेफिनेट इंटीग्रल का जो क्वेश्चन है, अगर हमारा जो क्वेश्चन है ये फॉर्म में रहेगा, अपर लोअर लिमिट टू अपर लिमिट अंडर रूट एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आज हम देखेंगे स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, क्या है, कैसे हमें आंसर मिलेगा, और फिर हम उस पर बेस्ड एग्जांपल देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं, और ये देखिए स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है हमारा, लोअर लिमिट इज़ ए अपर लिमिट इज़ बी अंडर रूट एक्स माइनस ए इंटू एक्स बी माइनस एक्स। अगर आपका क्वेश्चन ये फॉर्म में है जहाँ पर ए और ये ए जो दिख रहा है वो सेम होना चाहिए स्टूडेंट्स, और ये बी जो दिख रहा है वो सेम वैल्यू होना चाहिए, और ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर वो सेम है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैंने दो एरो बना के दो मतलब दिखाया हुआ है, इसका मतलब है हमारे पास इसका दो आंसर हो सकता है। दो आंसर क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए और बी दो अलग अलग नंबर हैं, कभी ए बड़ा होगा कभी बी बड़ा होगा। ठीक है, जब ए इज़ ग्रेटर देन बी, व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी का ए का वैल्यू ए के वैल्यू से, ए का वैल्यू बी के वैल्यू से बड़ा होगा, तो हम डायरेक्टली उसका आंसर लिख देंगे इज इक्वल्स टू पाई। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट्स कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको टाइप आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको ये टाइप में दिख रहा है इक्वेशन, और यहाँ पर कंडीशन ये दिख रहा है कि जो हमारा लिमिट है लोअर लिमिट ए ए इज़ ग्रेटर देन अपर लिमिट, तो हम डायरेक्टली आंसर लिख देंगे पाई। अगर हमारा ए इज़ लेस देन बी, मतलब लोअर लिमिट इज़ लेस देन अपर लिमिट, तो उसका आंसर होगा पाई बाय एट बी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें सिर्फ क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है, भाई ये टाइप में है और ये कंडीशन है तो हम ये आंसर लिख देंगे, ये कंडीशन है तो डायरेक्टली ये आंसर लिख देंगे। हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है उसे सॉल्व करने की। अगर आपको इसको ट्रेडिशनली मेथड से सॉल्व करने का मन करता है स्टूडेंट्स, आप ज़रूर इसको सॉल्व करिए और उसको चेक करिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो इस पर बेस्ड हम एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा एग्जांपल है 3 to 4 अंडर रूट एक्स माइनस 3 4 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो दिख रहा है ये फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ए क्या है 3, बी क्या है 4, ये टाइप का है या फिर ये टाइप का है। यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी यहाँ पे क्या ए ए इज़ लेस देन, मतलब ये सॉरी ये टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, ए इज़ लेस देन बी, तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है ये यूज़ करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा पाई बाई एट ए इज़ वॉट 3, बी इज़ वॉट 4, 4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट क्या आ गया, पाई बाय 8 इंटू 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये हमारा पाई बाय 8 इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए स्टूडेंट कैसे हम ये फॉर्मूला यूज़ करके, जहाँ पे आप क्रेडिट आप स्टैंडर्ड मेथड यूज़ करेंगे उसको सॉल्व करने जाएंगे, यहाँ पे 5 to 6 मिनट लगने के चांसेस रहते हैं, लेकिन आप इसे कैसे विद इन अ फ्यू सेकेंड, विद इन अ 5 सेकेंड हम बोल सकते हैं इसे हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल देते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने दिया हुआ 7 to 3 अंडर रूट एक्स माइनस 7 3 माइनस एक्स, तो ये हमारा क्वेश्चन देखिए ये फॉर्म में है हमारा। ठीक है, ओके, और यहाँ पे लोअर लिमिट 7 है अपर लिमिट 3 है, मतलब सेकेंड कंडीशन में आ रहा है जहाँ पर ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसका आंसर पाई लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सिर्फ आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है। आपने क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर दिया तो आप इजीली उसको आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक्स माइनस 2 5 माइनस एक्स, तो यहाँ पर ए इज़ लेस देन बी, तो हम सेकेंड टाइप यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 by 8 बी माइनस ए का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हमें 9 pi by 8 इज़ आवर आंसर। ठीक है, एक और ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं, आप कोई भी पावर ले नंबर लीजिए स्टूडेंट्स,
और इसको आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स के फॉर्म में है हमारा क्वेश्चन। ए इज लेस देन बी, तो हम डायरेक्टली सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है फॉर्मूला? पाई बाय एट 13 माइनस एट होल स्क्वायर, मतलब पाई बाय एट 13 माइनस एट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 5 का स्क्वायर, मतलब 25 पाई बाय एट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए कैसे हम विद इन अ फ्यू सेकेंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, आपको क्वेश्चन ये टाइप में होना चाहिए। ठीक है, लोअर लिमिट ए बी अंडर रूट एक्स माइनस, ये लिमिट ये जो दिख रहा है वो सेम होना चाहिए, दिख रहा है ये सेम होना चाहिए। अगर ये टाइप में है तो उसके दो पॉसिबल आउट आंसर्स होंगे। उसके कंडीशन याद रखना, आपको ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो डायरेक्टली आप उसका आंसर पाई लिखेंगे, अगर बी इज़ ग्रेटर देन ए है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसका आंसर लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वीडियो को आज हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप और आपके जो भी टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं उस पर, इसमें आप जाइए, ये टाइप के क्वेश्चन आप ढूंढिए और इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। ठीक है, और इसका पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, फॉर्मूला को अच्छे से लर्न कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत हेल्प हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, पहले आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे और आपका और स्पीड बढ़ते चले जाएगा। ये तो फिर भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को एक छोटा सा कमेंट करिए और बताइए कि मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ सजेशन है या फिर आपको कुछ एडवाइस करना है या फिर आपको कुछ इशू है तो वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल हैं उनको ये मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।